बता रहा हूँ, आप जाके वो वीडियो चेक कीजिए, उसके एंड में मैंने क्लेरिफिकेशन डाला है। सेकंड चीज ये, जयपुर में जो शो कैंसिल हुआ वो कांग्रेस वालों ने या ये जिसने भी करा वो अलग रीजन से कैंसिल हुआ, अलग रीजन से कैंसिल हुआ। मैं ट्रैवल करके जब 1,500 किलोमीटर जाता हूँ और मेरा शो कैंसिल होता है, वो पैंडेमिक में जयपुर की 1.5 लाख रुपए की इकोनॉमी इफेक्ट होती है। जो लोग बंद करा है उनका कुछ नहीं गया, मेरा भी कुछ नहीं गया, प्रोड्यूसर का 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मैंने सार्कास्टिक मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी, राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया, मेरा पिया घर आया राम जी, लेकिन मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज अ वाइफ यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है, वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा, इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रही है। लाइक मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस बाय आरएसएस, कुछ पता नहीं। देखिए 56 दुकान पे एक बिल्डिंग में थर्ड फ्लोर पे कैफे है, कैफे मुनरो करके, वहाँ एक इवेंट ऑर्गेनाइज की गई थी जिसकी जानकारी हमको बहुत पहले से थी, और उसमें एक स्टैंड अप कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी करके, वो सीरियल ऑफेंडर है, वो पहले भी हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ कर चुका है, गोधरा कांड में जो कारसेवक जलकर मारे गए थे उनके ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की है उसने, उनका भी मजाक बनाया था, और इस तरह के वो लगातार शोज़ में करता रहता। जयपुर में भी उसका एक शो कैंसिल हुआ था, तो आज जब हमको जानकारी मिली थी तो मैं और कुछ कार्यकर्ता हम लोग उस शो का टिकट खरीद के हम उस शो में पहुँचे थे, और जो हम सोच कर कर रहे थे वही सब चीज़ें वहाँ हो रही थी। वहाँ हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा था, वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और गोधरा कांड का जिक्र किया, उनका नाम उसमें विवेचना घसीटा गया, और इस तरह की तमाम चीज़ें वहाँ चल रही थी। हमने उसका वीडियो भी बनाया है, उसके सारे हमारे पास एविडेंस है, और वहाँ पर फिर हमने शो रुकवा करके सारी ऑडियंस को बाहर निकाल करके, और वो जो भी ऑर्गेनाइज़र थे और जो कॉमेडियन थे उनको पकड़ करके हम थाने ले आए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई, नॉन अवेलेबल इनके खिलाफ होना चाहिए कार्रवाई, और ये जेल जाएंगे जितने भी लोग हैं जो जो इसमें इन्वॉल्व थे। एक तो बिना परमिशन कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा था, छोटे से हॉल में कम से कम 100 लोग बिठा रखे थे उन्होंने, और ये सब अभद्र टिप्पणियाँ देवी देवताओं के ऊपर चल रही थी वहाँ पे, तो हमने तुरंत बीच में शो रुकवा करके, और जो 3 इसमें स्टैंड अप कॉमेडियन थे उनको पकड़ा है, और एक दो ऑर्गेनाइज़र हैं, और कैफे संचालक के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे इसमें। सीरियल ऑफेंडर है इसके, आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाएंगे या यूट्यूब वगैरह पर देखेंगे तो पहले भी कर चुका है ये, और इसको कोई अफसोस भी नहीं है, बहुत बेशर्मी के साथ ये करता है ये सब चीज़ें। तो आज इसके कार्यक्रम की जानकारी लगी थी तो हमने फिर योजनापूर्वक इसको पकड़ा है वहाँ से। ये शायद गुजरात का है रहने वाला।